हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आज का टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। इसके पहले के जो मैंने दो वीडियो बनाए थे वो भी रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर ही है, तो ये मेरा थर्ड और फाइनल वीडियो है रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर। तो आई होप इसके पहले के दो वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप उसके बेस पे सम भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये वीडियो में मैं आपको 6.3 कवर करूंगा, बिकॉज इसके पहले मैंने 6.1 और 6.2 कवर किया था। तो 6.3 जो है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 6.3 से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, बिकॉज यहाँ पे रिग्रेशन लाइन से रिलेटेड सम्स है। तो एवरी ईयर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुत ही सिंपल है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने यहां पे लिखा है फ्रॉम द टू रिग्रेशन इक्वेशंस, दो रिग्रेशन इक्वेशन आपको दिया हुआ है, फाइंड आर। आर मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एक्स बार एंड वाई बार, एक्स मीन और वाई मीन निकालना है। और यहां पे दो रिग्रेशन लाइन दिया है, देखो आपको 4y इक्वल टू 9x प्लस 15 एंड 25x इक्वल टू 6y प्लस 7, ये दो रिग्रेशन लाइन है। तो आपको एक्स बार और वाई बार निकालना है एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट रिग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। तो अभी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो रिग्रेशन लाइन दिया है, बट ये मेंशन नहीं किया है कि वो रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है, बिकॉज वी नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, एक होता है एक्स ऑन वाई और दूसरा होता है वाई ऑन एक्स। बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई है और कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स है। तो वो सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है। देखो मेथड क्या है, यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक है। अभी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 9 दिया है, यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट 25 दिया है। तो x का कोएफिशिएंट जिसका ज़्यादा रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। फिर से देखो मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे दो रिग्रेशन लाइन दिया है, आपको पता नहीं है कि कौन सा रिग्रेशन लाइन x ऑन y है और कौन सा रिग्रेशन लाइन y ऑन x है। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है, x का कोएफिशिएंट जिसका ज्यादा रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, और x का कोएफिशिएंट जिसका कम रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो देखो जो सेकंड लाइन दिया है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो सेकंड लाइन आपको दिया है उसमें x का कोएफिशिएंट 25 है और जो फर्स्ट लाइन है उसमें x का कोएफिशिएंट 9 दिया हुआ है। तो 25 हाईएस्ट है, तो जो हाईएस्ट रहेगा x का कोएफिशिएंट दैट इज कॉल्ड एज द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, we'll start the solution, so we'll write here let 25x equal to 6y plus 7 be the linear regression line of x on y, and let 4y equals to 9x plus 15 be the linear regression line of y on x है। ये ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। Now see, ये जो equation है 4y equal to 9x plus 15y be the linear regression line of y on x लिया, एंड 25x इक्वल टू 6y प्लस 7 बी द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y लिया है। तो हम लोग एक एक सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग ने लिया 25x इक्वल टू 6y प्लस 7। अभी ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है इसको हम लोगों ने x ऑन y अज्यूम किया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मालूम है, बी एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे। इसको हम लोगों ने x ऑन y अज्यूम किया है, जिसको हम लोग जो है सी, अभी ये इक्वेशन को हम लोगों ने x ऑन y अज्यूम किया है, तो इसको x इक्वल टू के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो x यहाँ पे रहेगा आपका और ये हो जाएगा 6y, 25 वहाँ पे जा करके डिवाइड हो जाएगा और ये प्लस 7 बाय 25। तो सेम थिंग यू कैन राइट x इक्वल टू 7 अपॉन 25 प्लस ये 6 बाय 25y, ऐसे भी लिख सकते हो आप दिस वे। तो इसको हम लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y अज्यूम किया था, इसके लिए x इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे।
तो x इक्वल टू मिला आपको 7/25 प्लस 6/25 y। तो यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट मिल रहा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ y इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। सो देखो यहाँ पे मिल गया आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, बी एक्स वाई इक्वल टू ये वैल्यू आएगा 6/25। तो y का जो कोएफिशिएंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं लोग, देखो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है, सिंस सेकेंड इक्वेशन है 4y इक्वल टू 9x प्लस 15, ये दिया आपको सेकेंड इक्वेशन, और इसको हम लोगों ने अज्यूम किया है कि इट इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो यहाँ से y फाइंड आउट करेंगे, दिया जाएगा y इक्वल टू 4, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 9/4x प्लस ये हो जाएगा आपका 15/4, ठीक है। सो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हो गया। तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द bx, तो bx इक्वल टू मिल गया आपको देखो 9/4। तो रिग्रेशन लाइन दिया था उससे हम लोगों ने रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बी एक्स वाई 6/25, बी वाई 9/4। अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये फॉर्मूला है। सो दिस आर इक्वल टू, रूल आपको मालूम है प्लस माइनस का, दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो आर का वैल्यू पॉजिटिव आता है, व्हेन बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों भी पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस में आएगा आंसर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 6/25 मल्टीप्लाइड बाय 9/4। तो यहाँ से आर का वैल्यू मिलेगा आपको 0.7348, ये आर का वैल्यू आ जाएगा। सो आर का वैल्यू मिलेगा 0.7348। देखो अभी ये सेम क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एक तो r फाइंड आउट हो गया, बाद में बोला आपको x बार और y बार। तो x बार और y बार निकालने का मेथड बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया है ना उसको साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद जो x और y का वैल्यू रहेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार। अभी आपको x मीन और y मीन निकालना है तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। सी फर्स्ट इक्वेशन देखो मैं रीअरेंज कर देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया है 4y इक्वल टू 9x प्लस 15, इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा एक्चुअली 9x माइनस 4y, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। सेकेंड इक्वेशन है 25x इक्वल टू 6y प्लस 7, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25x माइनस 6y इक्वल टू 7, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 मिला आपको 9x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 15, इक्वेशन 2 मिला 25x माइनस 6y इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे हम लोग, एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम लोग सेम करेंगे, या तो फिर हम लोग x के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे या तो फिर y के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। तो मैं यहाँ पे y के कोएफिशिएंट को सेम करता हूँ, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 में मैं यहाँ पे माइनस 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम हो जाएगा वाई का कोएफिशिएंट। तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो 9x इंटू 6 ये हो जाएगा 54x माइनस ये हो जाएगा 6/24y इक्वल्स टू माइनस 15 इंटू 6 ये हो जाएगा माइनस 90। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 100x माइनस 24y इक्वल टू हो जाएगा 28। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस प्लस एंड दिस इज माइनस, साइन चेंज होगा आपका, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 100x प्लस 54x तो ये हो जाएगा आपका माइनस 46x हो जाएगा, दिस वे ये कैंसिल हो जाता है एंड दिस इज इक्वल टू, दोनों का साइन नेगेटिव है तो माइनस आएगा, दिस इज 8 एंड दिस इज 11। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 118 डिवाइड बाय 46, तो 118 डिवाइड बाय 46 आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तब तक मिलेगा 2.56। सो डिवाइड किया तो x का वैल्यू 2.56 मिल रहा है, तो x का जो वैल्यू मिल रहा है ना दैट इज द x मीन, वही आपका x बार है। सो वी गॉट हियर x बार इक्वल्स टू 2.56 दिस वे, तो ये x बार का वैल्यू हो गया। अभी x का ये वैल्यू आप एनी वन ऑफ द इक्वेशन पुट कर दो, आइदर इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपको y मिल जाएगा। सो राइट हियर पुट
x इक्वल टू 2.56 इन इक्वेशन नंबर वन में देखो पुट करता हूं मैं यहां पे, इक्वेशन वन में पुट करते हैं हम लोग यहां पे, सो ये हो जाएगा 9 इंटू दिस इज x, x का वैल्यू पुट करना है 2.56 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 15 है, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 9 इंटू 2.56 किया तो अपने को मिलेगा ये 23.04 मिल जाएगा, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 15, सो दिस इज 23.04, माइनस 15 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो प्लस 15 हो जाएगा, माइनस 4y पे शिफ्ट करो तो प्लस 4y हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा 38.04 मिलेगा एंड दिस इज इक्वल टू 4y. So this y equal to 38.04 divided by 4. So this y, तो y का वैल्यू हो जाएगा 9.51. तो जो y का वैल्यू मिला है वही y मीन है, दैट मीन्स वो y बार है, तो y बार इक्वल टू 9.51 आपका सम सॉल्व हो गया. तो r फाइंड आउट किया हम लोगों ने, x बार निकाला और y बार निकाला, आपको दिया था रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ था. सो देखो हम लोग यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में आपको दिया है वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 9 दिया हुआ है, रिग्रेशन इक्वेशंस दिया है यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है. क्वेश्चन इज फाइंड x बार एंड y बार, आपको x मीन और y मीन निकालना है, वो तो इजिली फाइंड आउट हो जाएगा, इक्वेशन को सामल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x मीन y मीन. सेकंड आपको पूछा है r, r इक्वल टू होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तो r फाइंड आउट करने के लिए आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x फाइंड आउट करना पड़ेगा. और बाद में आपको थर्ड में पूछा है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, सिग्मा y निकालना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ चुका है. तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर. सी गिवन थिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग, वेरियंस ऑफ x आपको 9 दिया है, देखो यहाँ पे वेरियंस ऑफ x इक्वल टू 9, तो आपको मालूम है वेरियंस अगर दिया रहेगा तो हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, तो वेरियंस ऑफ x 9 दिया है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरियंस रूट ऑफ वेरियंस ऑफ x, सो दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट 9 हो जाएगा, तो सिग्मा x इक्वल टू आपको 3 मिलेगा. तो वेरियंस ऑफ x दिया था हमने, फाइंड आउट किया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x. तो फर्स्ट क्वेश्चन है x बार एंड y बार, तो सबसे पहले हम लोग x बार और y बार फाइंड आउट कर लेते हैं. सी हियर फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 8x माइनस 10y प्लस 66 है, तो उसको वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस 66. सेकेंड इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 40x माइनस 18y इक्वल टू 214 दिया है, तो साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आएगा और वही आपका x बार y बार है, तो हम लोग ट्राई करते हैं इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करने का. तो इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है, इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करके सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा सम्स. तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. सो दिस यू अज्यूम एज ए इक्वेशन नंबर वन और इसको लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर टू. अब देखो यहाँ पे 8 है और ये 40 है, तो हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन वन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय 5, देखो न्यू इक्वेशन आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 ये हो जाएगा आपका 40x माइनस 5 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 50y इक्वल्स टू माइनस 66 इंटू 5 करेंगे तो माइनस 330 आएगा. तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड अज्यूम कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर टू इसके जस्ट नीचे लिखते हैं हम लोग 40x माइनस 18y इक्वल टू 214. सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे, तो ये जाएगा माइनस प्लस और ये जाएगा आपका माइनस, तो ये कैंसिल हो जाता है, माइनस 50y प्लस 18y, तो ये सब्ट्रैक्शन किया तो आपको मिलेगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 32y हो जाएगा. माइनस माइनस सेम साइन है तो माइनस आएगा, ऐड हो जाएगा, सो दिस इज 4 दिस इज 544. आपको चाहिए y, तो ये जाएगा y इक्वल टू 544 डिवाइड बाई 32. तो y इक्वल टू 544 डिवाइड बाई 32, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको 17 मिलेगा. तो y का वैल्यू 17 मिला, दैट मीन्स y बार आपको 17 मिल गया है, y बार इज 17. अब ये y का वैल्यू 17, पुट एनी वन ऑफ द इक्वेशन टू गेट x. तो राइट हियर पुट y इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर वन में पुट करता हूँ मैं, y का वैल्यू 17 इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं हम लोग.
तो ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 10 इंटू वाई का वाई 17 है इक्वल टू माइनस 66 दिया है. सो दिस इज 8x माइनस 10 इंटू 17 यू विल गेट हियर 170 और ये माइनस 66. तो ये हो जाएगा आपका 8x इक्वल टू माइनस 66 प्लस 170. सो दिस 8x इक्वल टू 170 माइनस 66 तो आपको मिलेगा यहाँ पे 104. ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 104 डिवाइड बाय 8. तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग. सो दिस इज 13. तो x का वैल्यू 13 आएगा. दैट मीन्स x बार आपको 13 मिल गया दिस वे. तो x बार और y बार का वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया है. तो अभी आपको सेकंड निकालना है r. We have to find out correlation coefficient. तो correlation coefficient निकालने के लिए सबसे पहले आपको regression coefficient निकालना पड़ेगा. तो one by one equation लेते हैं हम लोग. See, देखो पहला equation है 8x minus 10y plus 66 equal to 0. Second equation है 40x minus 18y equal to 214. अब ये दो regression equation है. उसमें से एक regression equation x on y है और दूसरा y on x है. तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा इक्वेशन x ऑन y है और कौन सा इक्वेशन y ऑन x है. देखो तो मैंने आपको क्या बताया था, x का कोएफिशिएंट जिसका ज़्यादा रहेगा दैट इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. तो यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट 40 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 8 है. तो जिसका कोएफिशिएंट ज़्यादा है उसको हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y अज्यूम करेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेट 40x माइनस 18y इक्वल टू 214 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. ये अज्यूम किया. तो ये इक्वेशन को हम लोगों ने x ऑन y अज्यूम किया है. तो यहां से आप x इक्वल टू फाइंड आउट करोगे. तो ये हो जाएगा आपका 40x इक्वल टू 214 माइनस 18y वहाँ पे जा करके प्लस 18y हो जाएगा. सो दिस x इक्वल टू 40 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो 214 डिवाइड बाय 40 प्लस 18 अपॉन 40 इंटू y. सो ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. तो y का जो कोएफिशिएंट रहेगा, y का जो कोएफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y. तो यहां से आपको मिलेगा बी एक्स वाई का वैल्यू 18/40. सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इसको. सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 9/20 आएगा. सो वी गॉट हियर बी एक्स वाई इक्वल टू 9/20. ये एक पार्ट हो गया. अब जो देखो रिमेनिंग इक्वेशन बचा है उसको हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x लिखेंगे. तो वी विल राइट हियर लेट 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0 बी द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. ठीक है, तो हम लोगों ने ये इक्वेशन को रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x अज्यूम किया है. सो हम लोग यहाँ से y इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे. सो 8x प्लस 66 को मैं यहाँ पे रखता हूँ इक्वल टू माइनस 10y को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं हम लोग. तो प्लस 10y हो जाएगा, 10 यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 10 x प्लस 66 अपॉन 10 इक्वल टू y. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू 8 अपॉन 10 x प्लस 66 अपॉन 10. तो यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x. तो यहाँ से बी वाई एक्स का वैल्यू मिल गया आपने को 8/10, रिड्यूस किया तो 4/5 आएगा. सो बी वाई एक्स इक्वल टू वी गॉट 4/5. यहाँ तक तो सॉल्व हो गया. सो देखो अभी आपको सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था कि r फाइंड आउट करो कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सो r का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. ये फॉर्मूला है. तो r इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों पॉजिटिव रहेगा तो r का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव है तो r का वैल्यू नेगेटिव आएगा. तो देखो यहाँ पे क्या मिला है, बी एक्स वाई 9/20 है और बी वाई एक्स आपका जो है वो 4/5 मिला हुआ है. सो r इक्वल टू हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा. तो राइट ईयर 4/5 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आएगा 9/20. दिस इज 9/20.
तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, सिंप्लीफाई करो, 4 1 4 5 तो ये हो जाएगा आपका 9/25। सो दिस आर इक्वल टू 9 को लिखेंगे हम लोग 3 और 25 का रूट हो जाएगा 5, तो 3/5 में 0.6 मिलेगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल गया आपको 0.6। थर्ड पार्ट है उसमें आपको पूछा था सिग्मा वाई निकालना था, सिग्मा एक्स दिया था। थर्ड पार्ट में देखो आपको सिग्मा एक्स दिया था 9, अपने को वेरियंस ऑफ एक्स दिया हुआ था, तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकाला 3। अभी आपको पूछा व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, कोई भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूज कर लो। देखो अपने को मालूम है बी एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो बी एक्स वाई का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 9/20, तो ये हो गया आपका 9/20 इक्वल टू, आर फाइंड आउट किया हम लोगों ने 0.6, या तो उसको आप 3/5 लिख लो, इनटू सिग्मा एक्स यहाँ पे दिया हुआ है 3 अपॉन आपको सिग्मा वाई फाइंड आउट करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। सो देखो ये 3 × 3 9 हो जाएगा, सो दिस 3 3 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1/20 इक्वल टू 1/5 इंटू सिग्मा वाई। तो हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई इक्वल टू 4 मिलेगा आपको आंसर। तो 1/20 इक्वल टू 1/5 इंटू सिग्मा वाई सॉल्व किया तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आपको 4 मिल जाएगा, तो सम सॉल्व हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। देखो हम लोग अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको 50 दिया हुआ है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज 3y - 5x + 180 = 0। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वाई 12, मीन ऑफ वाई इज 44 दिया है, एंड वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 9/16 ऑफ वेरियंस ऑफ वाई, ये कंडीशन दिया है आपको। एक क्वेश्चन इज फाइंड एक्स बार एंड आर, दैट मीन्स आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। सो एक्स बार निकालना तो बहुत ईजी है, जो भी आपको रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन दिया है उसमें एक्स, उसमें वाई का वैल्यू 44 दिया है, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे 44 पुट कर दोगे तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज वेरी सिंपल। तो सी हियर, सिंस यहाँ पे आपको दिया है 3y - 5x + 180 = 0 और आपको वाई बार दिया है, मतलब वाई का वैल्यू दिया है वो, तो y का वैल्यू 44 यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, मीन्स x बार मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट y इक्वल टू 44, सो देयर फोर ये हो जाएगा 3 × 44 - 5x + 180 = 0। सो हम लोग इसको ट्राई करते सॉल्व करने का, तो 3 × 44 करेंगे तो ये हो जाएगा 132 - 5x + 180 = 0। तो 132 + 180 इसको ऐड करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 2312 हो जाएगा। सी 132 और 180 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 312, माइनस 5x को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो प्लस 5x हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 312/5, सो x इक्वल टू इसका वैल्यू मिलेगा आपको 62.4, दैट मीन्स ये x बार हो गया, x बार इक्वल टू 62.4, x बार फाइंड आउट हो गया। अभी अपने को निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट r, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट r निकालने के लिए एक इक्वेशन दिया है आपको, तो वहाँ से एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। और सेकंड हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है 9/16 ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, तो पहले ये कंडीशन यूज करते हैं हम लोग, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दिया है। देखो सिंस 3y - 5x + 180 = 0 एंड दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो जब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दिया रहेगा तो वहां से आपको बी एक्स वाई मिल जाएगा, दैट मीन्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई मिल जाएगा। ठीक है, सो हम लोग यहां से रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकालेंगे, सो 3y + 180 को यहां पे रखेंगे, -5x वहां पे शिफ्ट होगा तो +5x हो जाएगा, डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, सो दिस इज 3y / 5 +180/5 = x, दैट मीन्स आपको मिल गया एक्स इक्वल टू 3/5 × y + 36, ये मिल गया आपको।
3/5 × y + 36. सो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. तो जो y का कोएफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y. तो यहां से देखो आपको बी एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा, बी एक्स वाई इक्वल टू 3/5. दिस वे y का जो कोएफिशिएंट है वो बी एक्स वाई रहेगा, तो बी एक्स वाई इक्वल टू 3/5 हो गया. आपने को r निकालना ध्यान में रखो. और एक कंडीशन दिया देखो आपको, यहाँ पे वेरियंस ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है. तो यहाँ पे दिया है वेरियंस ऑफ x इक्वल टू 9/16 × वेरियंस ऑफ y. हम लोग क्या करते हैं, वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं. ये हो जाएगा अंडर रूट वेरियंस ऑफ x इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय वेरियंस ऑफ y, इसका स्क्वायर रूट आएगा अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ y. ठीक है, नाउ सी हियर, अंडर रूट वेरियंस ऑफ x, दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और ये हो जाएगा 3/4 × अंडर रूट वेरियंस ऑफ y इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. दिस वे अभी अपने को रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y मालूम है, तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग. तो सिंस बी एक्स वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, ये फॉर्मूला है. रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y इक्वल टू कोरिलेशन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. तो बी एक्स वाई का देखो वैल्यू मालूम है आपको 3/5, तो मैं यहाँ पे 3/5 लिख देता हूँ इक्वल टू, r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सिग्मा x, सिग्मा x का जो वैल्यू दिया है 3/4 × सिग्मा y है, तो ये सिग्मा x की जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा 3/4 सिग्मा y. ये हो जाएगा 3/4 × सिग्मा y अपॉन ये सिग्मा y. सो दिस सिग्मा y कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ बच रहा है 3/5 इक्वल टू r इंटू 3/4, तो 3 कैंसिल हो गया. तो यहाँ बच रहा है आपका 1/5 इक्वल टू r/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल टू 4/5, डिवाइड किया तो 0.8 आएगा. तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.8, सम सॉल्व हो गया. ये देखो फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बी वाई एक्स दैट मीन्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स दिया है आपको 0.4, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई दिया है 0.9. फाइंड द वेरियंस ऑफ वाई इफ द वेरियंस ऑफ एक्स इज 9. तो आपको वेरियंस ऑफ y निकालना है व्हेन द वेरियंस ऑफ x इज 9. तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन ही है, बहुत ही सिंपल है. देखो आपको यहाँ पे वेरियंस ऑफ x दिया हुआ है ना, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे. सी द सॉल्यूशन, वेरियंस ऑफ x दिया है, तो वेरियंस ऑफ x दिया है 9, तो हम लोग स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x निकाल सकते हैं, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 9. स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ x इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बोलते हैं हम लोग इसको. रूट 9 का वैल्यू 3 आएगा, ये इतना वैल्यू मिला आपको. क्वेश्चन है फाइंड द वेरियंस ऑफ y. ठीक है, अभी यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का यूज करके हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे. देखो ये फॉर्मूला आपके पास है, आर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, फॉर्मूला इज हियर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये फॉर्मूला है. तो आर इक्वल टू हो जाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों भी पॉजिटिव है तो आर का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. ये हो जाएगा अंडर रूट बी वाई एक्स इज 0.4 मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स वाई इज 0.9. सो दिस आर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 0.36 हो जाएगा, 0.36 आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दे रहा हूँ. ये हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा ये 36/100. तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6/10 हो जाएगा, सिंप्लीफाई किया अगर आपने तो 3/5 आता है. तो r का वैल्यू 3/5 मिलेगा, या आप उसको 0.6 भी लिख सकते हो, r इक्वल टू 0.6 भी आप लिख सकते हो. दिस वे अब ये r को यूज़ करके हम लोग वेरियंस ऑफ y निकाल सकते हैं. यहाँ पे देखो अभी आपके पास एक फॉर्मूला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y का. सो बी एक्स वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ये फॉर्मूला है. बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई का तो वैल्यू मालूम है आपको 0.9,
तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 0.9 इक्वल टू आर का वैल्यू फाइंड आउट किया हमने 0.6, ये हो गया 0.6 इंटू सिग्मा एक्स, देखो दिया है क्वेश्चन में सिग्मा एक्स यहाँ पे 3 है, डिवाइड बाय आपको सिग्मा वाई फाइंड आउट करना है सिंपली। अपने अपने को सिग्मा वाई चाहिए, तो सिग्मा वाई यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा वो, तो सिग्मा वाई इक्वल टू यहाँ बच रहा है 0.6 इंटू 3, 0.9 वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 0.9, तो सिग्मा वाई इक्वल टू 0.6 इंटू 3 अपॉन 0.9, तो इसको 10 से इंटू किया तो 6 हो जाएगा और इसको 10 से इंटू किया तो 9 हो जाएगा, 3 1 3 3 3 1 3 2 0, तो सिग्मा वाई इक्वल टू 2 मिला आपको स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। बट क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था फाइंड आउट वेरिएंस ऑफ वाई, तो बट सी अपने को मालूम है स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ वाई, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सिग्मा वाई का वैल्यू 2 दिया है, 2 इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे हम लोग, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वेरियंस ऑफ वाई, तो सम सॉल्व हो गया ये, तो वेरियंस ऑफ वाई का वैल्यू 4 मिला, सो ये सम सॉल्व हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछ चुका है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन दिया है यहाँ पे, देर आर 2 रिग्रेशन लाइन्स, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 5x प्लस 7y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्वेश्चन इज फाइंड r, दैट मीन्स आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है एंड ऑल्सो कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y। देखो अभी यहाँ पे आपको 2 रिग्रेशन इक्वेशन दिया है, बट आपको पता नहीं है कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है और कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है, तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताया था, x का कोएफिशिएंट जिसका ज़्यादा रहेगा दैट इज़ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, x का कोएफिशिएंट जिसका कम रहेगा दैट इज़ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। सो राइट हियर लेट 5x प्लस 7y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखो ज़्यादा दिया हुआ है, यहाँ पे x का कम है, तो इसको हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y अज्यूम करके सॉल्व करेंगे, तो लेट 5x प्लस 7y माइनस 12 इक्वल टू 0 बी द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y आ जाएगा, सो 5x इज इक्वल टू वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा, 7y जा करके माइनस 7y हो जाएगा, वी वॉन्ट x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12/5 माइनस 7/5 इंटू वाई, सो दिस इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, सो देयरफॉर y का जो कोएफिशिएंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बी एक्स वाई इक्वल टू माइनस 7/5 बी एक्स वाई इक्वल टू माइनस 7/5 रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन। अब देखो जो रिमेनिंग इक्वेशन है फर्स्ट वाला उसको अज्यूम करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो यहाँ पे लिखोगे आप लेट 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 बी द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x ले लिया हमने, तो इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे देखो आपको दिया है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x अज्यूम किया है, तो 3y यहाँ पे रहेगा, माइनस 6 को वहाँ पे शिफ्ट करो प्लस 6, 2x यहाँ पे जाएगा तो माइनस 2x, वी वॉन्ट y, तो ये हो जाएगा 6/3 माइनस 2x/3, सो दिस y इक्वल टू 2 माइनस 2/3 इंटू एक्स, दिस वे तो ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो यहाँ से मिलेगा आपको बी वाई एक्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x मिल जाएगा माइनस 2/3, ये हो गया आपका माइनस 2/3 दिस वे। क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड r, r निकाल सकते हैं हम लोग इजिली, r इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई फॉर्मूला है, सो r इक्वल टू बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव, तो r भी नेगेटिव आएगा, अंडर रूट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पे, सो दिस इज 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, सो दिस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट आएगा 14/15, इसका आंसर मिलेगा माइनस 0.966, ये हो गया आर का वैल्यू आपका, ये पार्ट सॉल्व हो गया आर का।
तो सेकेंड पार्ट आपको फाइंड आउट करना है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. सो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, तो वहाँ पे हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई यूज करेंगे. सो फॉर्मूला है बी एक्स वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इक्वल टू आर इनटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. बी वाई एक्स का, बी एक्स वाई का वैल्यू मालूम है आपको. देखो बी एक्स वाई का वैल्यू -7.5 है, तो -7/5 इक्वल टू आर का वैल्यू मिला है आपको -0.966 इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. सो -7.5 इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो ये हो जाएगा -1.4 हो जाएगा, और ये -0.966 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा -0.966 इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. देयरफोर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाय 0.966. तो अगर आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.449. सो दिस इज सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई रिक्वायर्ड आंसर हो गया. तो ये सम सॉल्व हो गया. सो माय डियर स्टूडेंट, ये मेरा थर्ड वीडियो था रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर, तो मैंने ये चैप्टर पूरा इस वीडियो में कवर कर दिया है. सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज रिग्रेशन एनालिसिस कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एक बार थोड़ा आपने कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कर लिया तो इस चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा. और जितना भी सम्स मैंने इसमें सॉल्व किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.